इस पूरे सौर मंडल में हमारे पृथ्वी को सबसे अनोखे और अद्भुत ग्रह के रूप में जाना जाता है, जहां विभिन्न रूपों में जीवन फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर कई ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, समुद्र और ग्लेशियर प्राकृतिक रूप से निर्मित चीजें हैं, जिन्हें देखने से इंसान की आंखों और मन को एक अद्भुत सुकून का एहसास होता है। लेकिन आज हम आपको पृथ्वी पर घटित होने वाली कुछ बहुत ही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके पीछे छिपी असल सच्चाई को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गायब होता जा रहा है समुद्र का किनारा। यूं तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बीच है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौज मस्ती करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गायब होने वाले बीच के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो आज इस अद्भुत घटना के बारे में भी जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बायरन बे बीच आम लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन साल 2018 के बाद से इसे गायब होने वाले बीच के रूप में जाना जाने लगा है। दरअसल इस बीच पर रेत वाले हिस्से के नीचे काफी ज्यादा मात्रा में समुद्र का पानी इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से रेत अंदर ही अंदर कटने लगी थी। तो एक दिन ऐसा आया जब रेत अपने ब्रेकिंग प्वाइंट पर पहुंच गई और बीच का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी में समा गया। इस दौरान समुद्र का पानी रेत को अपने अंदर समेट रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरा का पूरा बीच लोगों की आंखों के सामने से गायब होता चला गया। वैज्ञानिकों की माने तो जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से बायरन बे बीच का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में जलमग्न हो गया। वैज्ञानिकों की माने तो ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, जिसकी वजह से पूरा बीच धीरे धीरे समुद्र के अंदर समा जाएगा। इस गायब होते बीच पर आज भी कई लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ जाने का रिस्क हर कोई नहीं उठा सकता है। जबकि एक बड़ी सी समुद्र की लहर किसी भी पल बीच के एक बड़े हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सकती है। रेगिस्तान में रहस्यमयी गोले। भले ही हम इंसान कितने ही बुद्धिमान और आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन कभी कभी प्रकृति के नियमों को समझने में हमसे गलती हो ही जाती है। नामीबिया के रेगिस्तानी इलाके में इन छोटे बड़े गोल आकृति को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं, जो प्रकृति का जादुई करिश्मा लगता है। ये गोले नामीबिया के रेगिस्तान में 80 से 150 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, जो सूखी और पीली पड़ चुकी घास के बीच अलग से दिखाई देते हैं। इन गोलों का आकार 10 मीटर तक हो सकता है, जबकि इनकी एक दूसरे से दूरी भी 10 मीटर के आसपास है। अगर आप आसमान से इन गोलों पर नजर डालेंगे तो ये धब्बेदार आकृति की तरह लगते हैं, जो एक खास पैटर्न में नामीबिया के तट पर बने हुए हैं। वैज्ञानिक ने इन रहस्यमयी गोलों को फेयरी सर्कल्स नाम दिया है, जिनके ऊपर वो कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इन गोलों को किसने और क्यों बनाया है, और अगर ये प्रकृति की कलाकारी है तो उसके पीछे असल वजह क्या है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गोले घास के कीड़े को खाने वाली दीमक ने बनाए हैं, जिनकी संख्या में तेजी से इजाफा होता है और वो कीड़ों के साथ घास को खा जाते हैं, जिससे ये गोल आकार बनकर तैयार हो जाता है। वहीं एक दूसरी थ्योरी की माने तो नामीबिया के इस इलाके में घास गोल घेरे के पैटर्न में उगती है, ताकि उसके आसपास बारिश का पानी लंबे समय तक जमा रह सके। इस घास के गोल घेरों के अंदर की जमीन बिल्कुल रेतीली होती है, जिसमें किसी तरह की वनस्पति पैदा नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर वैज्ञानिक इन घेरों के अंदर घास उगाने की कोशिश करते हैं तो वो महज 10 से 20 दिन के अंदर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। स्थानीय लोग इन गोल घेरों को आस्था से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि ये आकृति खुद भगवान ने बनाई है, जिसकी वजह से वो लोग इन गोल घेरों को काफी पवित्र मानते हैं। मीथेन से बना विशालकाय गड्ढा। हमारी धरती के गर्भ में कई तरह के खनिज तत्व और गैस निर्मित होती रहती हैं, जो समय समय पर बाहर निकलने का रास्ता खोजती हैं। जून 2017 में रूस के दूरदराज के गाँव में स्थानीय लोगों को एक जोरदार धमाका सुनाई दिया था, जिसकी आवाज काफी देर तक गांव में गूंजती रही। इसके बाद सभी गांव वाले उस धमाके की आवाज का पीछा करते हुए एक नदी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। स्थानीय लोग उस गड्ढे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे, जिसके अंदर से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था और नदी के आसपास एक अजीब सी गंध फैल गई थी। जब इस घटना की जानकारी रूस के वैज्ञानिकों को लगी तो वो गड्ढे के पास रिसर्च करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोध में पाया कि ये गड्ढा मीथेन गैस के विस्फोट की वजह से निर्मित हुआ है, जो जमीन के अंदर भारी मात्रा में इकट्ठा हो गई थी। जब मीथेन गैस को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो प्रेशर की वजह से जमीन पर दबाव बढ़ने लगा और उसकी वजह से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था।
इस गड्ढे के जरिए जमीन के अंदर मीथेन गैस को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। आपको बता दें कि जमीन के अंदर मीथेन गैस बनने की मुख्य वजह जीव जंतु के शव और सड़े हुए पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं। दुनिया भर में विभिन्न जगहों पर जमीन के अंदर से मीथेन गैस रिलीज होती है, जो ऑक्सीजन और आग के संपर्क में आते ही एक ज्वलनशील पदार्थ में तब्दील हो जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर धमाके के वक्त नदी के पास कोई व्यक्ति होता तो विस्फोट की चपेट में आने की वजह से उसे काफी गंभीर चोट आ सकती थी। सड़क से निकलने लगा पानी। जापान में हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को भूकंप के झटकों के बीच सामान्य जीवन व्यतीत करने की आदत हो चुकी है। लेकिन बीते साल जापान के टोक्यो शहर में भूकंप के बाद एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला था, जिसके पीछे की असल सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल टोक्यो के एक रिहायशी इलाके में भूकंप के बाद जमीन पर दरार आ गई थी और उस दरार से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल रहा था। इतना ही नहीं, दरार की वजह से अलग हुए जमीन के दोनों टुकड़े आपस में एक दूसरे से बार बार टकरा रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद भूवैज्ञानिकों ने इसके पीछे की असल वजह पता लगाने के लिए रिसर्च शुरू की। वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप के तेज झटके की वजह से जमीन के अंदर मिट्टी के कण एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिसकी वजह से दरार वाला हिस्सा बार बार हिल रहा था। इतना ही नहीं, भूकंप की वजह से जमीन के अंदर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स भी एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिसकी वजह से तरल पदार्थ दरार से तेजी के साथ बाहर निकल रहा था। आसान शब्दों में कहा जाए तो भूकंप के तेज झटकों की वजह से जमीन का एक हिस्सा अंदर से खोखला हो गया था, जो किसी भी तरह की मिट्टी या तरल को एकजुट नहीं कर पाया और उसकी वजह से अंदर मौजूद तरल पदार्थ दरारों से बाहर निकलने लगा था। इसकी वजह से घटनास्थल पर चारों तरफ पानी ही पानी फैल गया था। कुछ जगहों पर पानी का रंग बिल्कुल काला था तो वहीं कुछ जगहों पर मटमैला पानी बाहर निकल रहा था। क्विक सैंड। आप में से बहुत से लोगों ने दलदल के बारे में सुना होगा, जो पानी और मिट्टी का एक ऐसा कीचड़ होता है जिसमें डूबने से इंसान की मौत हो जाती है। इसी तरह समुद्र के किनारों में रेत, पानी और क्ले के मिश्रण से एक ऐसा प्राकृतिक फिनोमेना होता है जिसे क्विक सैंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी जगह पर रेत, पानी और क्ले के बीच एक खास तरह का फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से वो जगह गद्देदार रेत में तब्दील हो जाती है। इस रेत में जब कोई इंसान पैर डालता है तो उसका शरीर अंदर की तरफ धंसने लगता है। हालांकि क्विक सैंड इंसान के लिए जानलेवा साबित नहीं होती है, क्योंकि इसकी ज्यादातर गहराई 3 से 4 फीट तक हो सकती है। कई लोग क्विक सैंड में मौज मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके कमर तक का शरीर रेत के अंदर डूब जाता है। हालांकि इस रेत के अंदर ज्यादा देर तक रहने की स्थिति में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों को अपने साथी या ग्रुप के साथ क्विक सैंड में जाने की सलाह दी जाती है। ये प्राकृतिक घटना कुछ चुनिंदा समुद्री इलाकों में देखने को मिलती है, इसलिए अगर आपको कभी क्विक सैंड देखने का मौका मिले तो उसमें डुबकी लगाने का मौका बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। झरने के नीचे जलती है आग। इस दुनिया में झील, झरने और तालाब देखने वाले प्राकृतिक प्रेमियों की कोई कमी नहीं है, जो लंबा सफर तय करके खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा झरना देखा है जिसके बहते पानी के नीचे आग जलती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के चेस्टनट रिज काउंटी में एटर्नल फ्लेम फॉल्स को दुनिया का सबसे रोमांचक झरना माना जाता है, जहां बहते पानी के नीचे आग जलती है। यहां तक कि सर्दी के मौसम में जब झरने का पानी बर्फ के रूप में जम जाता है तब भी यहां लगातार आग जलती है। स्थानीय लोगों की माने तो कई साल पहले इस झरने के पास एक आदमी आया था, जिसने ठंड से बचने के लिए आग जलाई थी और तब से लेकर अब तक ये आग जस के तस जल रही है। वहीं वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि झरने के नीचे मौजूद गुफा से मीथेन गैस का रिसाव होता है, जिसकी वजह से यहां बहते पानी के साथ आग जलने की अद्भुत घटना देखने को मिलती है। हालांकि कुछ लोग इस झरने की आग को धरती के विनाश से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि जिस दिन झरने में जल रही लौ बुझ जाएगी, उस दिन धरती पर महाप्रलय और विनाश होगा। खैर, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस आग वाले झरने को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से न्यूयॉर्क शहर पहुंचते हैं। पानी के अंदर बनता है भंवर। आपने तेज तूफान के दौरान हवा में बनने वाले बवंडर के बारे में जरूर सुना होगा, जो इतना शक्तिशाली होता है कि अपने साथ मजबूत से मजबूत चीज को भी लेकर उड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी पानी के बीचों बीच भंवर या बवंडर बनते हुए देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस तरह की प्राकृतिक घटना को वर्लपूल के नाम से जाना जाता है।
आमतौर पर पानी के अंदर भंवर तब पैदा होता है जब उसकी लहरों की गति और हवा के बीच एक तरह का प्रेशर पैदा हो जाता है। इसकी वजह से पानी के बीच एक गड्ढा बन जाता है जो अंदर की तरफ तेजी से गोल गोल घूमने लगता है और अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। नदी या किसी तालाब में बनने वाले भंवर ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, इसलिए वो पानी की सतह पर मौजूद गंदगी और झाड़ियों को ही अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर बनने वाले भंवर काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जो इंसान समेत नाव और जहाज को भी निगलने की ताकत रखते हैं। तो ये थे पृथ्वी पर घटित होने वाली कुछ बहुत ही खतरनाक और रोमांचक प्राकृतिक घटनाएं, जिनके पीछे की असल साइंस को समझने में वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।